हेलो दोस्तों, तो आज आपका फिर मेरे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ स्वागत है। आज जो अपडेट देने वाला हूँ वो है नेवरा धनियावा प्रोजेक्ट, जो कि 42.2 किलोमीटर लंबा है। ये जो प्रोजेक्ट का ये साइड जो देख रहे हैं, ये नेवरा से होते हुए जटडुमरी आएगी और इस साइड से ये गया पटना मेन लाइन, इस साइड से आप गया चले जाइएगा, सामने में जो है कि जटडुमरी है। आज इसी का अपडेट दूंगा। ये प्रोजेक्ट की बात करूँ तो इसका टेंडर 2016 में ही निकल चुका था, लेकिन ज़मीन अधिग्रहण की वजह से इसमें बहुत लेट काम हुआ और अभी भी इसका उम्मीद की बात करें तो इसे 2024 तक फाइनल की उम्मीद की जा रही है, लेकिन वर्क को देखते हुए लगता नहीं कि 2024 तक होगा। चलिए मैं आगे ले चलता हूँ, आपको स्टेशन दिखाता हूँ कितना वर्क हुआ है, कितना बाकी है। मैं इसी तरह का अपडेट देता हूँ, आप चाहें तो हमें फॉलो कर करके आप इस तरह का नॉलेज का जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आप मेरे साथ स्टेशन का काम देखिए। और इस साइड जो देख रहे हैं, ये बेटा सरमेरा और पटना रिंग रोड दोनों एक ही प्रोजेक्ट है, ये उसका वर्क चल रहा है, मैंने इसका अपडेट दे चुका है। तो चलिए दिखाते हैं आपको जटडुमरी स्टेशन। ये जो देख रहे हैं ये स्टेशन का वेटिंग हॉल है और इस साइड रोड है। यहाँ पर वर्क की बात करें तो पहले से दो प्लेटफार्म है, यानी एक और दो, जो गया पटना का मेन लाइन है, उसी तरीके से यहाँ पर दो प्लेटफार्म का और वर्क चल रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का वर्क का और यहाँ का प्रोग्रेस का। ये नया जो सामने देख रहे हैं ये वेटिंग हॉल है और इस साइड में जो देख रहे हैं आप, ये नेवरा धनियावा का लाइन है, यहीं से सीधे जाते हुए फिर लेफ्ट मुड़ जाएगी। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए और देखिए इस वीडियो को और इस नए रूट का मज़ा लीजिए। कंटिन्यू मैं इस भी तरह का अपडेट देता रहूँगा आपको, और मैं इस प्रोजेक्ट का भी कंटिन्यू अपडेट देता रहूँगा। आप चाहें तो हमें फॉलो कर सकते हैं। इस रोड के फ़ायदे की बात बताऊं तो अभी मुगलसराय पटना रोड पर बहुत गाड़ियां चलती हैं और जिसकी वजह से स्पीड ट्रेनें की नहीं बढ़ पा रही हैं, जिसकी वजह से ये रूट को बनाया जा रहा है ताकि फ्यूचर में पटना मुगलसराय लाइन पर भी 160 की स्पीड से ट्रेनें दौड़ सके। इसके बन जाने से पटना और मुगलसराय के बीच जो भी मालगाड़ियाँ चलती हैं वो पटना ना जा करके नेवरा से मुड़ करके धनियावा होते हुए, बिहार शरीफ होते हुए कील चली जाएगी, फिर हावड़ा चली जाएगी। और धनियावा से बिहार शरीफ की बात करें तो 38 किलोमीटर है और बिहार शरीफ से शेखपुरा बड़बीघा के बीच की दूरी 25 किलोमीटर है, शेखपुरा बड़बीघा की दूरी 16.2 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट के बन जाने से बीटा से गाड़ी चलेगी अगर तो शेखपुरा जाने के लिए, बड़बीघा जाने के लिए, नवादा जाने के लिए बहुत लोगों को आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही गाड़ियाँ हैं जो है कि तिलैया है, जो हिसुआ तक जाती है, तिलैया तक जाती है। इसके बन जाने से और भी ट्रेनें चलेंगी तो पटना वासियों को बहुत आराम मिलेगा। इस साइड में अभी एक भी गाड़ी नहीं चलती है और साथ ही साथ बहुत तरह का एक्सप्रेस और मेल भी मिल जाएगा, और भी इसके बन जाने से इस रूट का बहुत फ़ायदा होगा और इस एरिया का बहुत डेवलपमेंट होगा। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए और देखिए क्या हो रहा है, क्या बात। और इस रेलवे लाइन के रूट की बात करें तो वर्क हर तरफ चल रहा है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस रूट का वर्क की बात करें तो लगभग 80% इस एरिया में काम हो चुका है। और इसी रूट से पटना गया मेन लाइन में भी एक रोड बन रहा है जो कि महुली तक आएगी, जिसको मीठापुर महुली कहते हैं, और उसी तरीके से वो रोड आकर के ये जटडुमरी में आकर के बीटा सरमेरा रोड में मिल जाएगी और इसी रूट से जिनको गया जाना होगा वो गया चले जाएंगे। चलिए मैं आपको और आगे दिखाता हूँ, और आप वीडियो में देख सकते हैं कि स्लीपर वगैरह सब रखा हुआ है। यहाँ छोटी गाड़ियों के लिए एक अंडर पास भी बना हुआ है। ऐसी अंडर पास के आप लेफ्ट साइड देख रहे हैं कि ये धनियावा चली जाएगी और सीधे आप चले जाइएगा तो आप गया चले जाइएगा। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए और लुत्फ़ उठाइए इसका।